खुशी से परीक्षा लेते हैं, हमें ठोकते बजाते हैं, हमारी आस्था और विश्वास को चोट पहुंचाते हैं, हमें तपाते हैं, हमें रुलाते हैं, किंतु इसलिए नहीं कि हमें कष्ट पहुंचे, गुरु स्वयं भी खुश नहीं होते ऐसा करके। वे ये सब इसलिए करते हैं कि हम एक बेहतर व्यक्तित्व बन पाए, हमारी अशुद्धियां दूर हो सके। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, एक बार नहीं अनेकों बार। आज तक वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। फर्क केवल इतना आया है कि पहले की अन्यथा अब मैं उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ कि वे मेरी परीक्षा लेनी बंद कर दें। विचलित होना स्वाभाविक है, किंतु भक्त यदि भगवान से शिकायत नहीं करेगा, उनसे अपनी व्यथा नहीं कहेगा, तो किससे कहेगा? गुरु उत्तर भी देते हैं। वे किसी न किसी माध्यम से उत्तर भी देते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि हमें ये ज्ञात होता है कि ये उनकी लीला चल रही है, नहीं तो वे तो सदैव हमें शांत चित्त व प्रसन्न देखना चाहेंगे। हमें दुखी करना उनका उद्देश्य थोड़ी ना होता है। लव एवरीवन, सर्व एवरीवन, टेल द ट्रूथ। किंतु ये इतना आसान कहां है? मैं अपनी बात कहूं तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती है। कोशिशों के बावजूद भी ये बहुत कठिन कार्य है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान कर बैठ जाएं। प्रयास तो करते रहना होगा, कितना भी मुश्किल कार्य क्यों न हो। गुरु की दृष्टि में प्रयास अहम होता है। वे हमें अनगिनत अवसर देते हैं हमारी त्रुटियां दूर करने के लिए। गुरु तो हमारा जीवन भी भेंट में मांग लेते हैं। क्या हम में इतनी श्रद्धा एवं विश्वास होता है कि ऐसा कर पाए? आपने श्री कृष्ण और बांस के उस पेड़ की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें श्री कृष्ण बांस के उस पेड़ को काट काट कर उसे बांसुरी का रूप दे देते हैं। इस प्रक्रिया में सोचिए कितने दर्द से गुजरा होगा वह वृक्ष, जिसने बिना एक भी प्रश्न किए अपना जीवन अर्पण कर दिया भगवान को, और परिणाम वह उनकी सबसे प्रिय वस्तु बन गया। 24 घंटे उनके संग साथ रहने वाली, उनके हृदय में रहने वाली बांसुरी। ऐसा ही कुछ गुरु भी करते हैं। गुरु ने अपनाया है तो पार भी लगाएंगे, मझधार में तो नहीं न छोड़ देंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज बस इतना ही। जय गुरुदेव। Mm-hmm.